हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट टाइम ब्लॉग आज है एवंथ ऑफ अगस्त और अभी जो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ कि कल से लेके बीस तारीख तक के लिए वैलिड रहेगा इस वीडियो में हम दो स्टॉक को डिस्कस करेंगे आज ग्यारह है तो वो बारह तारीख से लेके बीस तारीख तक ये एक से डेढ़ वीक का जो टाइम फैम है इसमें आप इसको ट्रेड कर सकते हैं हमारा प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा हमारा एंट्री होगा हमारा एग्जिट होगा तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए हम डायरेक्टली अपने पहले स्टॉक पे चलते तो पहला स्टॉक जो आज मैंने आप लोगों के लिए पिक किया है वो है दिव्यानी इंटरनेशनल का कंपनी अच्छी है अगर इसके चार्ट को हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है 198 के लेवल पे जो कि आज ही ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है जो कि मुझे लग रहा है कि क्लोजिंग अच्छा है प्लस वॉल्यूम में भी हमें हल्का राइज देखने को मिला है तो ब्रेकआउट सस्टेन कर जाएगा तो अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो कल जो भी सी रहेगा उसमें आप दो के करीब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस के लिए आप 182 180 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 200 से एक uh, 180 मतलब कि 20 पॉइंट लगभग 10 परसेंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड अगर आप 10 परसेंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो कंपनी uh, अच्छी है इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें टारगेट हम नहीं दे सकते देने का तो ये है कि हमारा जो कप का साइज़ है उस हिसाब से हम आपको टारगेट uh, प्रोवाइड कर सकते हैं बट द थिंग इज़ कि आप टारगेट uh, को ना रखते हुए आप इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में बना के रखिए विथ प्रॉपर टी एस एल मतलब कि ट्रेडिंग स्टॉप लॉस तो अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखिए और इसके अंदर कंटिन्यू रखिए यहाँ पे अभी आप देखिए तो साठ पॉइंट का आ, हमारा कपर साइज है तो आप साठ पॉइंट यहाँ से मतलब तो कि दो सौ साठ तक का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो स्टिल अगर दो सौ साठ से भी ऊपर अगर आप रखना चाहते हैं तो आप आराम से इसमें कंटिन्यू बने ही रह सकते हैं लेकिन आपको टी का ध्यान रखना है और साथ में अगर आप दो सौ एंट्री करते हैं तो एक आपका स्टॉप लॉस रहेगा जैसा आज सुबह ही हमने निफ्टी पर डिस्कस किया था कि अभी एक निफ्टी रेजिस्टेंस पॉइंट पे है तो हो सकता है कि मार्केट वहाँ से एक रिवर्स ले तो अगर मार्केट रिवर्स लेना तो ऑब्वियसली हर शेयर में हमें कुछ ना कुछ करेक्शन देखने को ज़रूर मिलेगा तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस रखना है तो पहला तो हमारा ये दिव्यानी दिव्यानी इंटरनेशनल पहला था और सेकंड जो हमारा कंपनी है वो है एफएल इंडिया का अगर हम लोग एफएल इंडिया के चार्ट को देखें तो एफएल इंडिया के चार्ट में भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हमें आज ही के दिन ब्रेकआउट देखने को मिला है मतलब ग्यारह अगस्त को आज एक ब्रेकआउट हुआ है आज थर्सडे और इसमें भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है तो यहाँ पे अगर हम पोजीशन बनाते हैं ग्यारह सौ अस्सी के आसपास तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो होगा तेरह सौ तीस के करीब का मत तो की ग्यारह सौ अस्सी से लगभग डेढ़ सौ का आपका टारगेट रहेगा डेढ़ सौ पॉइंट का पर शेयर और अगर हम वहाँ से स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस के लिए आप ये वाला जो लो है उसको ग्यारह हज़ार सत्तर के करीब का रख सकते हैं तो आपका अस्सी से नब्बे पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और डेढ़ सौ पॉइंट का आपका टारगेट है मतलब कि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो वन इस टू टू का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्टॉक में बताया था अपने पहले वाले स्टॉक में कि अभी निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस के पास है तो इसलिए आपको टी एस एल और एस एल ले कर चलना है तो इसमें भी आप पोजिशन बना सकते हैं पोजिशन बनाने से पहले आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़रूर देखिए और साथ में आपका जो पोजिशन साइजिंग है उस पर भी आप ध्यान दीजिए एंड फिर उसके बाद आप फाइनली आप कुछ डिसीजन लीजिए तो आज हमारा ये छोटा सा बहुत बहुत ही छोटा सा ये वीडियो था जिसमें हमने दो शेयर के बारे में डिस्कस किया पहला देवयानी इंटरनेशनल और सेकंड हमारा एफएल इंडिया जो कि आई टी कंपनी है अभी सारी कंपनीज़ का रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं इसलिए हमें निफ्टी में कंपनीज के शेयर्स में हमें ऐसा ग्रोथ देखने को मिल रहा है एक बार जब रिजल्ट का सीजन खत्म हो जाएगा निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है तो हो सकता है हमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिले तो आप अपना प्रॉफिट भी हल्का हल्का बुक करते रहिए ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा मार्केट में लगा दिए हमेशा आपके पास ट्वेंटी परसेंट कैश हाथ में रहना चाहिए और बाकी एटी परसेंट से आप ट्रेड कीजिए और उस एटी परसेंट में भी आपको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए अलग पैसा रखना है और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए अलग रखना है आपका फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होना चाहिए और बाकी का जो तीस से चालीस परसेंट पैसा है उससे आप ट्रेडिंग करें तो ये जो बेसिक रूल्स होता है स्टॉक मार्केट का अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो ये कुछ हमने डिस्कस किया आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा तो बस आज ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं वीडियो अगर पसंद आया एक हेल्पफुल हुआ आपके लिए तो एक लाइक करके हमारे हमको ज़रूर इंकरेज कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक लिए बाय टेक केयर